हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि दो स्विच दो सॉकेट की वायरिंग हम किस तरह से करेंगे विथ इंडिकेटर। क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाया उसमें दो स्विच दो सॉकेट तो है, लेकिन इसमें उसमें इंडिकेटर नहीं था। तो मेरे पास आज एक ये बोर्ड आया है जिसमें हमें बनाना है ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, और यहाँ पे दो इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमेशा जलते हुए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसा स्विच ऑन करे तो ये सॉकेट ऑन हो तो ये इंडिकेटर जले, ये स्विच ऑन हो तो ये स्विच ऑन करने पे ये सॉकेट जले तो ये इंडिकेटर जले, वरना ये बटन बंद करने पे ये इंडिकेटर भी बंद रहे। तो इसकी वायरिंग हम किस तरह से करेंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में। पहले मैं ये बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ये हाईफाई कंपनी की बॉक्स है, लोकल है लेकिन चलती है, अच्छी चलती है। तो इसकी वायरिंग हम किस तरह से करेंगे, पहले स्विच प्लेट को बॉक्स से इस प्लेट को हम अलग करके ले लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि हमने इसे बॉक्स को प्लेट से अलग कर लिया। तो इस बॉक्स को हम पहले साइड में रखते हैं। पहले हमें ज़रूरत है इस स्विच प्लेट के बारे में, मैं आपको कुछ समझा दूं। तो ये प्लेट में बिल्कुल सिंपल तरीके से वायरिंग करनी है, आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। तो ये प्लेट के पीछे कुछ इस तरह से है, ये एक इंडिकेटर यहाँ पर हो गया और एक इंडिकेटर यहाँ पर हो गया। चलिए ये देखिए, इंडिकेटर के दो दो वायर हैं इस तरह से हो गए, ये दोनों स्विच हो गए, ये दोनों सॉकेट हो गए। तो सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कर लेंगे। तो न्यूट्रल देखिए, इस एलईडी को जलने के लिए भी न्यूट्रल फेस चाहिए, इस एलईडी को भी जलने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए। तो न्यूट्रल की वायरिंग कॉमन रहेगी इस एक एलईडी की, इस एलईडी की एक वायर, इस एलईडी की एक वायर। सॉकेट में देख सकते हैं आपकी यहाँ पे आपको एन लिखा हुआ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। एन आपको मोबाइल में नहीं मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन इस जगह पर न्यूट्रल है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, और इस जगह पर न्यूट्रल है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो सारे को हम एक दूसरे से पहले लुक कर लेते हैं। देख सकते हैं इस एलईडी के इस इंडिकेटर को न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, इस इंडिकेटर को न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। दोनों सॉकेट के न्यूट्रल को हम लुक कर दिए, मेन न्यूट्रल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसे अभी फ्री छोड़ा। पहले आपको बोर्ड की वायरिंग में समझा देता हूँ। न्यूट्रल की वायरिंग होने के बाद हम पहले अर्थिंग, जो दो सॉकेट के ऊपर ये अर्थिंग की पिन दिख रही है, इसे हम आपस में लुक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं अर्थिंग की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ से यहाँ एक अर्थिंग की कनेक्ट हो गई। अब बच गई इसमें इंडिकेटर की जो ये एक एक वायर बची हुई है, उसे हम कहाँ कनेक्ट करें। तो जब हमने बोला कि ये स्विच, जो स्विच के नीचे की जो वायर है, यहाँ पे हमारी मेन लाइन जो फेस आने वाली है वो कनेक्ट होगी, तो ये स्विच से ऑपरेट होगी ये सॉकेट, तो हमें यहाँ से यहाँ एक वायर लूप करनी रहेगी, और इस स्विच से ये सॉकेट, तो हमें यहाँ से यहाँ एक वायर लूपिंग करनी रहेगी। तो ये इंडिकेटर की वायर को हम या तो यहाँ स्विच के ऊपर, या फिर यहाँ पर जो ये टुकड़ा जो वायर डालेंगे हम, वो दोनों में से कहीं पर भी इस वायर को हम दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा हो। तो पहले हम टुकड़ा वायर लूपिंग कर लेते हैं और ये इंडिकेटर के वायर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हैं इंडिकेटर के वायर हमने यहाँ जोड़ी, वहाँ से यहाँ सॉकेट में जोड़ दिया। अब जो ये जो खाली पिन बच रहा है स्विच का, यहाँ पे जो हमारी प्लस वाली मेन लाइन जो आएगी वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। उसी तरह से पहले मैं इस सॉकेट की भी वायरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, सॉकेट और इंडिकेटर की। तो पहले मैं इसे भी रेडी करके ले लूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से और साफ सुथरे तरीके से ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। अब हमें इस पर जोड़ना क्या है, मेन लाइन। तो मेन लाइन की प्लस जो रहेगी दोनों स्विच के नीचे रहेगी, न्यूट्रल हम यहाँ जोड़े या यहाँ जोड़े, और अर्थिंग हम यहाँ जोड़े तो चाहे यहाँ जोड़े। तो चलिए अब मैं पहले मेन लाइन के लिए तैयारी कर लेता हूँ। ये बॉक्स है, बॉक्स में मुझे कोई एक एंट्री तोड़नी पड़ेगी केबल अंदर लेने के लिए, तो मैं पहले तोड़ के ले लेता हूँ। ये देख सकते हैं हमने 1.5 3 कोर केबल लिया है, इसे हम बॉक्स में एंट्री कर लेंगे। ये इस तरह से बॉक्स में एंट्री कर लेंगे। बॉक्स में एंट्री करने के बाद हम एक गांठ मार देंगे, केबल खींचने पे हमारे स्विच बोर्ड पे कुछ दिक्कत ना आए। तो हमने इस तरह से गांठ मार लिया। अब हम जो हमारी ये हरी वाली वायर है वो अर्थिंग में कनेक्ट करेंगे। ये अर्थिंग में हम यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूट्रल वाली वायर हमारे ब्लैक में कनेक्ट होगी, न्यूट्रल में, तो वो सॉकेट में यहाँ पे, वो सॉकेट में यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, हम दोनों में से किसी जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये फेस की वायर स्विच के यहाँ पे नीचे में कनेक्ट करेंगे, और यहीं से एक लूपिंग टुकड़ा हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। चलिए वो मैं करके ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हो हमने मेन वायर कनेक्ट कर दी, न्यूट्रल की वायर जो ये ब्लैक वाली थी, ये जो ब्लैक वाली थी, तो बस सॉकेट में यहाँ से यहाँ लूपिंग किया, तो न्यूट्रल में यहाँ भी कनेक्ट कर सकता था, यहाँ भी, तो मैंने यहाँ किया है। अर्थिंग की वायर ये हरे वाली, तो सॉकेट में अर्थिंग की पिन दोनों ऊपर वाली थी, तो हमने यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे की। और जो ये रेड वाली वायर थी, ये फेस की थी, जो स्विच में हमें दोनों नीचे देनी थी, यहाँ पे भी देनी थी और यहाँ पे भी, तो हमने स्विच के इस नीचे में यहाँ पे कनेक्ट किया,
और एक यहाँ से ब्लू वायर लेके हमने ये स्विच को सप्लाई दिया है। चलिए अब इसे सप्लाई देके आपको चेक करके दिखलाते हैं कि ये बोर्ड हमारी वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और उसके बाद फिर बोर्ड को हम अच्छे तरीके से स्क्रू लगा के इसे पैक कर लेंगे। तो पहले मैं इसे आपको चेक करके दिखलाता हूँ कि ये बोर्ड वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, बाद में मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हो दोनों सॉकेट हमारी बटन चालू है, तो दोनों इंडिकेटर ऑन हो गई। ये दोनों हमने बटन बंद किया, ये बटन बंद। जैसे ही हम बटन चालू करेंगे तो ये सॉकेट प्लस ये इंडिकेटर दोनों चालू हो जाएगी। ये बटन ऑन करेंगे तो ये सॉकेट प्लस ये इंडिकेटर चालू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझने में सुविधा हुई होगी। अगर समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक रिलेटेड नए नए वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।